फौज के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाज़ी का 5 रोज़ा दौरा तुर्की। दारुलहुकूमत अंकारा आमद पर पाकिस्तान के अमीर उल बहर का पुरइत्तेफाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। अंकारा पहुँचने पर तुर्क वज़ीर दिफा हुलूसी आकार से एडमिरल अमजद खान नियाज़ी की खसूसी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज के दरमियान तआवुन और ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बात की गई। तुर्क वज़ारत दिफा में मेहमानों की किताब में अपनी तासरात भी कलमबंद किए। पाकिस्तान के अमीर उल बहर की जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क के मकबरे पर हाजिरी, फातिहा खवानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। एडमिरल अमजद खान नियाज़ी के एजाज में एक खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें इन्हें तुर्की के मुसल्लह अफवाज की सबसे बड़ी फौजी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट दिया। पाकिस्तान की बहरी फौज के सरबराह ने तुर्क बहरी बेड़े के सरबराह एडमिरल अर्जुमन ततली ओलो से मुलाकात की। इस मौके पर इन्हें खसूसी यादगारी शील्ड भी दी गई। एडमिरल अमजद खान नियाज़ी ने तुर्की के बहरी अफवाज के गुलशन कमांडर से मुलाकात की और इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का दौरा किया और इसके साथ साथ एडमिरल मुस्तफा साइसिली और एडमिरल अदीम चेटिंग से भी मुलाकात की। इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में एडमिरल अमजद खान नियाज़ी को पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले जंगी बहरी जहाज बेल्जियम पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने जहाज की तैयारी के कामों का जायजा लिया। पाकिस्तान के अमीर उल बहर ने दफाई साजो सामान तैयार करने वाली तुर्क सरकारी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की। पाकिस्तान की बहरी फौज के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाज़ी के दौरा तुर्की के दौरान पाक बहरिया के जंगी जहाज तबूक भी खसूसी तौर पर तुर्की पहुंचा। ये बहरी जहाज 3 रोज तक तुर्क बंदरगाह पर लंगर अंदाज रहा। तुर्क बहरिया ने पाक बहरिया के जहाज की आमद पर एक खसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया।